दिख रहा है। अच्छा, इसका एक तरीका, मैं तो एक ले रहा हूँ कंडक्टर, आपने एवरेज ले रही है, तीन कंडक्टर या दो या तीन रीडिंग लेके ना उसकी एवरेज ले रही है, ठीक है, एक से एवरेज ज्यादा होगा, तीन की ले लेंगे तो जरा रीडिंग चेंज आएगी, हाँ थोड़ी जो चेंज आएगी उससे आपको मरीज जो है वो ये थिम्बल, इसको आपने जोर नहीं लगाना, इसको समझ आएगा, कंडक्टर को सीधा रखना, कंडक्टर टेढ़ा होगा ना तो वो भी फिर उसको फिक्स नहीं कर, नीचे एक लाइन 0.5 होगी। अच्छा, इधर क्या लाइन जो सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो उसके साथ हम मैच कर रहे हैं, 21, ठीक है, तो 21 को 0.01 इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0.21 और 0.5 0.71, वही 0.71 आया, ठीक है, तो 0.71 आ रही है, 0.08 आ रहा है, 22 नंबर, ये 7 29, ये 3 है स्टैंड, 3 29 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको केबल का साइज, आपको केबल नेक्स्ट टाइम कोई मतलब कोई दे दे आपको साइज निकाले, अच्छा इसका एरिया भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आया पॉइंट कितना आया था, 0.71, इसको हाफ करें, इसका डिवाइड करें, रेडियस निकालें इसका 0.3 0.3 0.3 0.5, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें पाई आर स्क्वायर, या मल्टीप्लाई टू कर दें, मल्टीप्लाई टू नहीं करेंगे इसी को, इसके पाई से मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसको आप इसके देख रहे हैं तीन स्टैंड है ना, इसके स्टैंड तीन है, इसको तीन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 1.18 1.18 ये 1 स्क्वायर की केबल सही है।